अभी हम जयंत को, जयंत जी को, जो हमारा अजीत सिंह जी का बेटा है और हमारा यूपी का राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का नेता है, मैं जयंत को बोलने के लिए रिक्वेस्ट करती हूं। शत्रुघ्न जी बोल बैठिए। मंचासीन उपस्थित सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं और सामने बंगाल के हर कोने से आए, गांव से, कस्बे से, शहर से आए इस जनता का अभिवादन करता हूं। यहां इतनी संख्या में आकर आपने हम सब का उत्साहवर्धन किया है, हमें ऊर्जा देने का काम किया। आदरणीय ममता जी ने जब निमंत्रण दिया था चौधरी अजीत सिंह जी को हमें, तो बताया था कि रैली होने जा रही है। मैं ममता दीदी को कहना चाहता हूं, ये रैली नहीं, हमारे यहां उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारत में इसे रैला कहते हैं। रैली नहीं है, रैला है। साधारण सभाओं में जनता आती है सुनने, लीडर क्या कहेगा, क्या संदेश देगा, लेकिन ये सामान्य सभा नहीं है। मैं समझता हूं कि हम लोग यहां इस मंच पे आके क्या बोलते हैं ज्यादा महत्व नहीं है। देश की जनता देखना चाहती थी मंच पे, आप दृश्य देखिए, नजारा देखिए क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, शायद 19-20 पार्टी के संगठन के लोग उपस्थित हैं। एक विद्वान ने मुझे बताया था बंगाल के बारे में, क्योंकि पूरा देश जानता है कि बंगाल का आदमी बुद्धिजीवी है, उन्होंने कहा बंगाल थिंक्स फर्स्ट एंड देन इंडिया थिंक्स। और ममता जी को बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आज आपने साबित कर दिया, आज आपने वो कर दिखाया जो बहुत कठिन था, बहुत दुर्लभ था, और आपके आशीर्वाद से हम लोग एक हैं, इस मंच पे इकट्ठा हुए हैं, एक आवाज में, एक स्वर में बोल रहे हैं। मैंने सुना था हार्दिक भाई ने बोला ना, नारा दिया, चोरों से निपटाना है, चोरों से छुटकारा दिलाना है। इस देश के लिए हम लोगों ने तय कर लिया है, अच्छे दिन लाने हैं तो मोदी जी को भगाना है। मैं ममता जी को कहना चाहता हूं, देश की निगाहें हैं आप पे हमेशा से रही हैं। जब आप मुख्यमंत्री नहीं भी थी तब भी देश जानता था कितने संघर्ष आपने किए। मां माटी मानुष का नारा देकर आप सत्ता पे आई, किसान की लड़ाई लड़के आप सत्ता पे आई, और बहुत खुशी होती है देख करके। बंगाल में जो हो रहा है पूरे देश को, हम सबको उससे सीखना चाहिए। यहां 96% जो किसान है वह छोटे और मझोले किसान है, जमीन नहीं है। उनको आवश्यकता है ऐसी सरकार की जो उनकी देखरेख करे, जो नजर रखे कि जो सरकारी योजना नीति है वह जमीन तक पहुंचनी चाहिए, और यह आपने कर दिखाया है। सात गुना जो हमारी राज्य सरकार बंगाल की जो खर्च किया करती थी, जो व्यय करती थी कृषि क्षेत्र के लिए, 7 गुना बढ़ोतरी बंगाल ने करी है। और मोदी जी कहते हैं कि किसानों को कि 2022 तक इंतजार कीजिए, आय दुगनी कर दूंगा। मित्रों 2022 में होगी, कहते हैं ना, आपने सुना है कि नहीं। लेकिन बंगाल में मैं आंकड़े देख रहा था, ताज्जुब की बात है, 2010-11 में औसत यहां किसान की परिवार की आय थी 91,000 रुपए, और 2015-16 में वो बढ़ के 3 लाख तक पहुंचा दी है, 3 गुना कर चुके। बांग्ला फसल बीमा योजना यहां चलती है, मोदी जी कहते हैं हमने जो है पूरे देश के किसानों को सुरक्षा कवच दे दिया है। असलियत क्या है? बाजारीकरण हुआ है। असलियत यह है कि बिना किसान के अनुमति के उसके खाते से पैसे काटे जा रहे हैं, और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए लुटाए जा रहे हैं खजाने से और आपके जेबों से। लेकिन ममता जी ने यहां योजना चलाई, उन्होंने कहा कि नहीं, किसान से नहीं लूंगी,
ये होता है नेतृत्व। यहाँ जो प्रीमियम है बांग्ला फसल बीमा योजना, वह जो है राज्य सरकार दे रही है गरीब किसानों से, वो पैसा नहीं लिया जा रहा है। इस लूट को रोकने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पे यह होना चाहिए और हम लोग तय करें कि जब सरकार बनाएंगे अगली सरकार किसानों की होगी, मजदूर की होगी, गरीब की होगी, नौजवान की होगी, हम देश भर में ये कानून लाएंगे, नीति लाएंगे कि किसान की जेब से पैसा ना लिया जाए। मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो हो रहा है उस पर इतना ही कहूंगा। आपको विचार करना है कि नेता कैसा होना चाहिए, नेता की सोच क्या होनी चाहिए, नेता के काम कैसे होने चाहिए, यह आपको देखना है। बहुत मूल्य होते हैं, बहुत खूबियां होती हैं। मैं तो एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं, आप शायद सोचेंगे क्या कह रहा है। मैं ये कह रहा हूं, नेता जिद्दी भी होता है, नेता जिद्दी भी होता है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के लिए जिद्दी थे, समझौता नहीं किया। ममता जी बंगाल के लिए, आपके लिए जिद्दी हैं, समझौता नहीं करती। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री हैं वह मोदी के लिए जिद्दी हैं, वह मोदी के लिए जिद्दी हैं, आपके लिए जिद नहीं करते। उनकी एक जिद है, फ्रांस भी जाएंगे तो वो जिद पकड़ लेते हैं कि मेरे अपने लोगों को ठेका दो। उनका नाम लेके उनकी फौज में जुड़े हुए लोग गाय को बहाना बना के, हिंदू मुसलमान को बहाना बना के हत्या कर दे, दंगा कर दे, सारे जो है उनके अपराध माफ है, ये उनकी जिद है। लेकिन ये जिद बहुत खतरनाक होती है, ये जिद हमें बर्दाश्त नहीं है, देश के लोगों को बर्दाश्त नहीं। तो जिद्दी होना चाहिए। आप कहते हो 56 इंच की छाती है, जब छाती इतनी बड़ी होगी तो दिल भी तो बड़ा होना चाहिए, दिल क्यों नहीं दिखाते हो। अमर्त्य सेन ने कहा था कि देश का आदमी आर्गुमेंटेटिव है, बहस करने वाला है। हमारे यहाँ के लोग मंडियों में बैठे बैठे बहस करते हैं, खेत में बैठे बैठे बातचीत करते हैं, बाजार में जाके बहस करते हैं। ये हमारे देश का मिजाज है। हमारे यहाँ का आदमी नाराज बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन नाराज होने के बाद 2 मिनट नहीं लगाता, उसके दिल में गहराई में झांक कर देखोगे तो हमारे देश का सबसे गरीब आदमी भी बहुत बड़ा दिल रखता है, वह रो पड़ेगा। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं लगता, अगर आपका दिल है तो देश की जनता आवाम के आगे खड़ा होकर कह दीजिए, माफी मांग लीजिए कि नोटबंदी गलत फैसला था। यह होता है बड़ा दिल। ये कह दीजिए जीएसटी के लिए देश तैयार नहीं था। ये कह दीजिए फसल बीमा योजना में किसानों के अत्याचार हो रहा है, लूट हो रही है, मैं नहीं कर पाया जो करना चाहता था। शायद देश की जनता के दिल में नरमाई आ जाए। लेकिन हम लोग जानते हैं मोदी जी करने वाले नहीं है, माफी मांगने वाले नहीं है, गलती को मानने वाले नहीं है, ये उनकी जिद है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं देश की जनता से, आप मन बनाइए। हम लोगों ने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। यूपी में 80 सीट आती हैं, 80 में से 73 भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जीत गए थे। पिछले चुनाव में ऐसी आंधी भूचाल आई और मुझे मेरे लोग कहते थे कि भाई हम तो बहुत लोगों से हारे हैं, तुम तो हेमा मालिनी से हार गए। मैं भी हारा था चुनाव, तो ऐसी हवा थी। लेकिन हम लोगों ने साथ मिलकर काम किया, विपक्ष की पार्टियों ने शुरुआत कर दी। हाल के दिनों में 73 से गिनती गिरा दी, 3 सीट हराकर भेज दिया और 70 पे आ चुके हैं। और आप देख लीजिए मंच पे लोग बैठे हैं, हमने तय कर लिया है कि जो उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे, जो आप चाहते हो, जो बंगाल की जनता चाहती है, जो देश की जनता चाहती है, हाथ मिलाकर, तालमेल बनाकर, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के तंबू को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और नौजवानों को करना होगा। देश के कवि, राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी के शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि चोटे खाकर बिफरो, कुछ अधिक तनो रहे, धधको स्फुलिंग में बढ़ अंगार बनो रहे। तो हमें संघर्ष करने की जरूरत। मैं आखिर में कलकत्ता की, बंगाल की जनता को इतने प्यार से आपने हमें बुलाया और बातों को सुना, मैं कहना चाहता हूं अपने आखिर में इस बात को कह के खत्म करूंगा, अम्मी अपना के भालोवासी। धन्यवाद।